हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल एस जे स्टूडियो में वेलकम करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल एस जे स्टूडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन में होली से रिलेटेड फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और कहीं से भी स्किप ना करें। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो चलें दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इस तरह का बैकग्राउंड पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है और रीसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हम इसका साइज बढ़ाएंगे। साइज बढ़ाने के बाद फ्रेंड्स, आपने ऐड फोटो वाले ऑप्शन में जाना है और जो भी फोटो आपने ऐड करनी हो उसे आपने ऐड कर लेना है। फोटो मेरे पास मौजूद है, मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने ऊपर अरेजर वाले ऑप्शन में जाना है और इसे साइड उसे थोड़ा सा रेज कर लेना है। हार्डनेस को थोड़ा सा बढ़ा लें, साइज को थोड़ा सा कम कर लें। ऐसा करने से ये बैकग्राउंड में फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसे साइडों से अरेंज कर लेता हूँ। इसके बाद आपने इन सेटिंग्स को सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, आपने स्टिकर वाले ऑप्शन में जाना है, मोबाइल डेटा ऑन कर लेना है आपने। तो फ्रेंड्स, मैं वाईफाई ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है स्मोक इफेक्ट। सर्च कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने इस तरह का कोई इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और इसे आपने इस तरह एडजस्ट कर लेना है। ये हो गया। इसके बाद आपने फ्रेंड्स इसकी कैपेसिटी को कम कर देना है थोड़ा सा, अच्छी तरह एडजस्ट कर लें। हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने इन सेटिंग्स को सेव कर लेना है। कैपेसिटी थोड़ी सी मज़ीद कम कर दें, इन सेटिंग्स को सेव कर दें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है और आपने लिखना है आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपने कलर्स वाले ऑप्शन में जाना है, टेक्सचर में जाकर इस पे कोई अच्छा सा टेक्सचर ऐड कर लें। मैनो वाले ऑप्शन में जाकर आपने इसे ओवरले में रखना है। और इसके बाद फिर से आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है और लिखना है होली। इसके लिए आपने अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है
उससे भी एडजस्ट कर लें। इसके लिए भी आपने कलर्स में जाने के बाद टेक्सचर में जाकर वही टेक्सचर सेलेक्ट कर लेना है और इसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है आपने, और ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाकर अपने से स्क्रीन कर देना है और इसके बाद इन सेटिंग्स को सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फोटो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसके बाद आपने टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है, एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाकर इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा दें। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी आपने थोड़ा सा बढ़ाना है, क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा दें, सेचुरेशन भी थोड़ी सी डाल दें। इसके बाद आपने इन सेटिंग्स को भी सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है, आपने इस फोटो को सेव कर लेना है।